अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो आज का जो मेरा व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, पूरे दिन की रूटीन और होगी गपशप भी। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दोपहर का सालन, और आज मैंने बनाए थे करेले। और करेले मैंने पहले ही फ्राई करके रख लिए थे, बस जो प्याज है उससे मैंने थोड़ा सा सोते किया और सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए, और साथ ही मैंने करेले डाल के इसे थोड़ा सा सोते कर लिया, और टमाटर और हरी मिर्चें डाल के इसे दम पे मैंने लगा दिया। और इसके बाद है जो वो मेरा दोपहर का काम हो गया था डन, क्योंकि खाना पकाना ही सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद मैंने सिलाई करने थे कपड़े, और फ्रूट्स वगैरह भी आ गया था, तो मैंने कहा कि चलें सारे काम साथ साथ ही हो जाएं, क्योंकि मुझे कपड़े भी सिलाई करने हैं और तैयारियां करनी हैं घर के लिए, ईद के लिए। क्योंकि हम औरतों के ज़िम्मे होता है कि जब ईद आनी है ना, तो सारे घर की भल सफाई होनी होती है, पूरे घर को हमने नीट क्लीन करना होता है, और साथ में बच्चों को और घर को भी देखना होता है। तो मैंने कहा कि ये वाला जो आज मेरा व्लॉग है और आने वाला जो मेरा व्लॉग है, वो सारी ईद की तैयारियां मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ फ्रूट्स है जो वो मैंने कहा कि पहले वॉश करके ठंडा करके रख लूँ, ताकि जब बच्चों को भूख लगे तो मुझे है ना जो वो ना तंग करें, ख़ुद से ही खा पी लें। क्योंकि जब बंदा काम कर रहा होता है और गर्मी भी इतनी ज़्यादा है कि काम से थक के ना कुछ करने को दिल भी नहीं करता, तो फ्रूट्स मैंने पहले वॉश किया। और जो आम है ना, कभी अच्छे आ जाते हैं और कभी बहुत ही बुरे वाले आते हैं आर्टिफिशियल से। तो खैर आज भी आर्टिफिशियल वाले ही आम मुझे मिले थे, कोई इतना अच्छा जायका नहीं था। और पीच हैं जो वो माशाल्लाह से अच्छी हैं, और पीच वगैरह का ना मुझे ये होता है कि मैं जूस बच्चों को बना के दूँ, क्योंकि बच्चे पीच ना इतना पसंद नहीं करते, और जूस हैं जो वो शौक़ से पी लेते हैं। और फ्रूट्स डेली बेसिस पे मंगवाना चाहिए, क्योंकि गर्मी है और फ्रिज में भी इतनी गुंजाइश नहीं होती कि हम ना ज़्यादा सेव करके रख सकें। और इसके बाद फिर मैंने है जो वो मंगवाई आइटम्स बेकरी की, और एग हैं जो वो आजकल बस ऐसे ही है कि माशाल्लाह से अच्छे अच्छे फ्रेश फ्रेश मिल जाते हैं, और अभी तक तो कभी भी ऐसा वाकया नहीं हुआ कि एग हैं जो वो ख़राब आए, और माशाल्लाह से सारे एग हैं जो वो ठीक ठाक निकलते हैं। क्योंकि मैंने तो बेकिंग भी करनी होती है, बेकिंग में यूज़ करने होते हैं, तो मुझे पता ही नहीं चलता, बस जितने भी एग मंगवा लूँ दूसरे दिन ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ जो सारी चीज़ें थी वो मैंने साफ़ सुथरी करके किचन में सेट कर दी, और किचन का काम है जो मैंने कर लिया था। इसके बाद फिर मैंने मशीन रख ली, ताकि मैंने जो कपड़े कटिंग किए थे वो भी मैं स्लाइस कर लूँ। और मेरे घर में भी थोड़ा सा ईद का माहौल ही चल रहा है, तो मैं अपनी जो तैयारियां हैं वो मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूंगी। और जितने कपड़े मैंने सिलाई किए हैं या करवाए हैं टेलर से, तो वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फिर यहाँ असर के बाद फिर मैंने शाम का खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था, और आजकल ऐसा ही हो रहा है कि मैं असर की नमाज़ पढ़ने के फ़ौरन बाद ही शाम का खाना भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि लाइट का इशू चल रहा है, और जो किचन है ना उसमें UPS का जो सिस्टम है वो बहुत लाइट कम होती है, तो मुझसे कम लाइट में ना खाना बनता नहीं है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ आजकल, असर के फौरन बाद ही काम शुरू कर देती हूँ खाना बनाने का। तो यहाँ मैं कोरमा बना रही थी, और कोरमे के लिए मैंने प्याज चॉप करके ले लिया था। कोरमा है जो वो बग़ैर प्याज के भी बनता है, जस्ट टमाटर की प्यूरी यूज़ होती है और अच्छा सा बन जाता है। और जो प्याज है उसे मैंने बस थोड़ा सा किया है सोते, और उसी के साथ ही मैंने डाल दिया है चिकन, ताकि प्याज और चिकन दोनों ही एक साथ ही ब्राउन हो जाए। और जो चिकन है वो मैंने थोड़ा सा कट्स लगा के ना इनमें तो वॉश किया था सिरके के साथ, ताकि इसके जो मुज़र असरात हैं वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि गर्मी है और चिकन है जो कि वो थोड़ा सा स्मेली सा आ रहा है, इसलिए थोड़ी सी केयर करनी चाहिए। और जब भी चिकन मंगवाएं तो उसे थोड़ा सा सिरके के साथ ही साफ़ करना चाहिए, साफ़ करके उसे फिर सिरके वाले पानी में भिगो दें, तो उसके जो मुज़र असरात होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, और जो चिकन होता है ना वो चिट्टा हो जाता है। तो खैर यहाँ फिर मैंने जो चिकन है उसे अच्छा सा करके भून लिए हैं, और इसका कलर भी चेंज होना स्टार्ट हो गया। साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल कर दिया है, और इसे भी हम थोड़ा सा सोते कर लेंगे। कोरमा बनके हो गया है रेडी, और इसके बाद मैंने जो वीडियो आपके साथ शेयर करनी है ना, वो ये कि ये हमारा मिट्टू आज बहुत एंजॉय कर रहा था,
क्योंकि हमने इसे ना थोड़ा सा आज़ाद कर दिया था और सब बैठे हुए थे दस्तरखान पे, और ये जो भी नमाज़ पढ़ता है उसके साथ बैठ के ये अल्लाह का विरद करता है और सुबहान अल्लाह का विरद करता है। माशाल्लाह से ये बहुत समझदार हो गया, और यहाँ मैं नमाज़ पढ़ रही थी और ये मेरे पास बैठ के अल्लाह का विरद कर रहा था। तो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की वीडियो, आज का मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और जो मेरे चैनल पर न्यू है तो मेरा चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।